प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, कहा टीकाकरण अभियान को मिली सफलता, 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेस पूरी। सीएम योगी ने भी सुनी पीएम के मन की बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया हल्द्वानी में गोला पुल का निरीक्षण, पुल की अप्रोच के मरम्मत काम का लिया जायजा, काम तय वक्त पर पूरा करने के निर्देश। रामनगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत, चुकुम और सुंदरखाल इलाके में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, मौजूदा हालात का लिया जायजा। सोमवार से 5 दिनों के लिए बंद रहेंगी उत्तराखंड आने वाली ट्रेनें, रेलवे ट्रैक पर किया जा रहा इंटरलॉकिंग का काम, त्योहारी सीजन में बड़ी यात्रियों की मुश्किल। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले को लेकर शहर शहर दुआओं का दौर जारी, चंदौली में भी क्रिकेट प्रेमियों ने भगवान से भारत की जीत के लिए की प्रार्थना। गाजियाबाद में भी क्रिकेट प्रेमियों ने मैच को लेकर जश्न, फैंस ने मंदिरों में की पूजा, भारत की जीत के लिए मांगी दुआ। बांदा से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, बांदा जनपद का नाम बदलने की मांग की, जनपद का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखने का अनुरोध। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हुआ डेंगू, डेंगू की पुष्टि होते ही आशीष को वापस भेजा गया जेल, जेल में मच्छरों के काटने से डेंगू होने की आशंका। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को आएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे सीएम केजरीवाल। ठंड के बावजूद केदारधाम में जोश में नजर आ रहे श्रद्धालु, मौसम खुलते ही उमड़ने लगी भीड़, पीएम मोदी के दौरे से पहले शंकराचार्य का समाधि स्थल भी हुआ तैयार।